Hello friends, I am your science teacher Sniha from STKL DAV Public School Mansa. Today we will do topic plants. This video is on the plants. It is a lesson of class 3rd. Good morning everyone. I am your science teacher Sniha from SDKL DAV Public School Mansa. This video is on plants. It is a chapter 2nd of class 4th. Topics to be covered today revision of parts of plant. That parts of plant we have done in previous class. Just here we revise the parts of plant, root, function of root, types of roots. Then parts of plant. Here is a diagram of a plant. There is, we can see a green color of a plant this green colored patch known as leaf its green color is due to the presence of chlorophyll chlorophyll is a substance that present in the leaves that gives green color to the leaves leaves prepare food for the plant then it is a red color fruit fruit is a juicy patch of the plant it contains seeds from seeds new plant germinate branch स्टेम से काफी ब्रांचेस अराइज होती हैं दट इज अ ब्रांच फ्लावर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द फ्लावर फ्रूट इज फॉर्म्ड बट बर्ड इज अमॉल आउट ग्रोथ फ्रॉम द स्टेम नोन एज देन इट इज अ स्टेम स्टेम इज पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज अबब द ग्राउंड होल्ड द प्लांट स्ट्रेट देन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज रूट्स देन फिलिंग द ब्लैंक्स वी विल फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूस पार्स ऑफ प्लांट फर्स्ट इज फिक्स द प्लांट इन सॉइल सॉइल में प्लांट को फिक्स कौन करता है बेटा रूट रूट प्लांट को सॉयल में फिक्स करके रखती है तभी आंधी आए कुछ भी आए प्लांट गिरता नहीं है प्लांट ऐसा खड़ा रहता है देन स्पोर्ट्स प्लांट एंड अपराइट प्लांट को सीधा खड़ा करना सपोर्ट सपोर्ट मींस सहारा देना कीप इट अपराइट अपराइट में सीधे खड़ा होना स्टेम जो है इसे सीधा खड़ा होने में सहारा देती है हेल्प करती है अगर बारिश सारी uh, आंधी आती है तो ये कभी भी uh, ये नहीं है कि झूम कर गिर जाएगा टूट जाएगा ये स्ट्रॉन्ग भी होता है देन लीफ हैज़ डैश इन यू टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर लीफ में बच्चे ग्रीन कलर का एक सब्सटांस होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल जो कि प्लांट के लिए फूड प्रपेयर करता है फ्रूट हैव डैश इन दम विच जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट्स फ्रूट्स में सीड होते हैं जो कि न्यू प्लांट सीड से अराइज होता है नेक्स्ट वी विल नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस हेयर वी विल डिस्कस ओनली द रूट वट इज रूट रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर ग्राउंड अंडर ग्राउंड मीन्स अंडर द सॉइल सॉइल के नीचे जो पार्ट ग्रो करता है जो हमें अबापदा ग्राउंड नज़र नहीं आता देट इज नोन एज रूट ये देखो ये रूट को मैंने सर्कल किया गया है किया हुआ है सर्कल मीन्स के अंडर द ग्राउंड दे ग्रो अंडर द ग्राउंड दे ग्रो डीप एंड डीप टू टेक फूड टू टेक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल वेन दे ग्रो डीप इट बिकम्स कॉकी एंड दे फॉर्म आ कॉकी आउटर लेयर नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ द रूट अभी रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का उसके क्या फंक्शन है बच्चे नो प्लांट कैन लिव विदाउट द रूट्स रूट के बिना कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता हैंस रूट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स now functions of the root root performs two type of functions main functions and special functions first is main function roots hold the plant firmly to the soil होल्ड द प्लाट फॉर्मली फॉर्मली मीन्स फिक्स करना अच्छे से पकड़ के रखना होल्ड करके रखना सॉयल में प्लांट को दैट इज नोन एज नेक्स्ट टर्म जो फिक्सेशन के रूट्स हेल्प इन फिक्सेशन फिक्शेशन मीन्स फिक्स द प्लान इन टू द सॉयल सेकेंड मेन फंक्शन इज रूट्स अब्जो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड पास दैम टू द Plant absorption of water and minerals. We can see this diagram, the, it is underground part uh, of the plant. And you can see uh, these roots take minerals.

करती, so roots, करती है जैसे कैरट नेप वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर तो दैट इज नोन एज एडिबल रूट्स जो प्लांट के लिए फूड स्टोर करती हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एडिबल रूट्स क्या होती हैं हियर ओनली वी विल डिस्कस ओनली टू फंक्शंस फिक्सेशन एंड अपजॉप्शन ओके के रूट्स होल्ड द प्लांट Formally to the soil, that is known as fixation. Roots absorb water and minerals from the soil and pass them to the plant, known as absorption. Then, root. There are two types of roots taproot and fibrous root. What is taproot and fibrous root? बच्चे कोई भी प्लांट ले लें उसमें टू टाइप के होंगे होंगी रूट होगी या फाइब्रस रूट होगी ठीक है यू कैन सी द टैप रूट एंड फाइब्रस रूट इट इज अ टैप रूट इट इज अ फाइब्रस रूट टैप रूट व्हाट इज टैप रूट टैप रूट इज टैप रूट इज अंडरग्राउंड सॉरी टैप रूट इज अ Part of plant, it is long root that grows or arises from the base of the stem. It is a single long root, grows arise from the base of the stem. Uh, you can see it is a single long root, arise from the base of the stem. राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम इट इज अ सिंगल लॉन्ग रूट और मैनी थिन रूट्स अराइज फ्रॉम इट नोन एज टैप रूट सिंगल लॉन्ग रूट जो बेस से स्टार्ट होती है और टैप नीचे तक जाती है इसी साइड से थिनर रूट्स अराइज होती हैं एग्जाम्पल बिस्कस रोजा बीन बाल्सम मस्टर्ड प्लांट्स इनकी जो है टैप रूट होती है नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट फाइब्रस रूट इज नोन एज मींस देयर इज नो मेन रूट जैसे मैंने वहां पर बोले कि सिंगल लॉन्ग रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम यहाँ से कोई सिंगल रूट अराइज नहीं होती इनके बेस से इनके बेस से मैनी रूट्स अराइज होती है आप देख सकते हो रूट से मैनी रूट्स एक ही पॉइंट से अराइज हो रही हैं नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट ग्रो एट द एंड ऑफ स्टेम स्टेम के एंड पे नंबर ऑफ रूट्स ग्रो हो रही हैं दैट इज फाइबरस रूट जो ज़्यादा डीप नहीं जाती ऊपर ही होती है बंच ऑफ फ्रूट्स जैसे हम कहते हैं गुच्छा बंच मींच एक टाइप का गुच्छा टाइप हो जाता है कि बंच मींच जो है एक बंच की ये रूट्स होती हैं डीप ज्यादा नहीं जाती सुपर, सुपर होती है के की 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 ऐसी ऐसी होती 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 है वीट की होती है की होती है अनियन की होती है है तो आप देखते हो पे अनियन सभी हैं हैं को नीचे देखना उसके कैसे बिल्कुल नेक्स्ट इज हेयर वी विल सी टू रूट्स वन इज टाप रोट एंड वन इज फाइब्रस रूट फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रिकॉगनाइज दूट इट इज सिंगल लॉन्ग रूट एट द एंड

एक समानता क्या है दोनों ऑब्जॉप एंड फिक्सेशन करती है ऑब्जॉप्शन मीन्स ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल फिक्सेशन मीन्स होल्ड द प्लान्ट टू द सॉयल डिफरेंस क्या है दोनों में ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस सिंगल लॉन्ग रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम जो टैप रूट है वो सिंगल लॉन्ग रूट अराइज होती है बेस से और फाइब्रस रूट मैनी रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम बेस मीन्स यहाँ से स्टेम का एंड होता है ठीक है एग्जाम्पल इसमें बीन प्लांट्स ले सकते हैं हम टैप रूट में और फाइब्रस रूट में ग्रासेस ले सकती हैं थैंक्स